हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आ चुका हूँ एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ, जो कि है रेड डेड रिडेम्पशन 1। तो यार, ये गेम आज ही रिलीज़ हुआ है, यानी कि जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन ये गेम रिलीज़ हुआ है। यार, मैं आप लोगों को बता दूँ कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 मेरा ऑल टाइम फेवरेट गेम है, या फिर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गेम्स कह सकते हो आप यार, जो कि बहुत सही था। और रेड डेड रिडेम्पशन फर्स्ट भी बहुत सही गेम था। तो अभी तक मैंने कभी खेला नहीं था, एमुलेटर वगैरह में था अवेलेबल, लेकिन मेरे को एमुलेटर में खेलना नहीं था भाई, क्योंकि मुझे माउस और कीबोर्ड से खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, कंट्रोलर से नहीं। और उसमें भी कंट्रोलर का ऑप्शन था, लेकिन फिर भी यार, मतलब माउस और कीबोर्ड का ऑप्शन था, लेकिन वो मज़ा नहीं आता उतना जो कि ओरिजिनल रहता है। तो देखते हैं क्या है। ये सीन मेरे को याद है, बस मैंने इतना ही देखा है जब भी मैं रेड डेड 1 का गेम प्ले वीडियो देखता था। तो साला रेड डेड रिडेम्पशन जब एक साथ में बोलने लग जाओ ना, रेड डेड रिडेम्पशन, तो कई बार जबान फिसल जाती है, पता नहीं क्यों। भाई थोड़ा पुराना तो हो गया यार, लेकिन गेम प्ले और स्टोरी बहुत अच्छी है भाई, इसके लिए मिस नहीं कर सकते इस गेम को। ग्राफिक्स थोड़ा आउटडेटेड लग रहे हैं, देख के लग रहा है PS3 जनरेशन के, बट घटिया भी नहीं कह सकते यार, अच्छी ग्राफिक्स है। बस मेरे को एक चीज़ लग रही है, जो कि थोड़ा सा और होती ना तो ग्राफिक्स इम्प्रूव हो जाते हैं, पता है क्या। जैसे कि अभी देखो, घर वर बहुत सही लिख रहे हैं, ग्राउंड के टेक्सचर्स मस्त है, कैरेक्टर तो एक नंबर है भाई, जॉन मार्स्टन तो एकदम अभी के कैरेक्टरों से भी तुम कंपेयर कर लोगे, थोड़ा सा कम है बट चल जाएगा। बट मेन क्या दिख रहा है पता है मुझे, रुको आ जाने दो सीन फिर बताता हूँ। ये देखो भाई, साफ सफाई बहुत दिख रही है, रोड वोड देखो एकदम साफ सुथरी है भाई, कचरा पड़ा रहना चाहिए ना, तो एक लेयर और ऐड हो जाती तो बहुत सही लगता, बस कचरे की कमी है। पूरी रोड देखो भाई कितनी क्लीन है। बट ये क्यों गया यार रॉकस्टार ने, कोई बग वग अभी है क्या? क्योंकि अगर तुम लोग को ध्यान होगा भाई, GTA सैन एंड्रियाज़ याद कर लो, वाइस सिटी याद कर लो भाई, रोड में न्यूज़पेपर उड़ते पड़े रहते थे, सारी चीज़ें ऐसे दिखती रहती थी। मे भी शायद ये कट सीन में ऐसा हो, गेम में हो आगे चल के, क्योंकि बिना कचरे के ना वो फील नहीं आएगा कि ये ऐसा कुछ पुराना चल रहा है, वाइल्ड वेस्ट टाइम का। भाई मैं अभी रेड डेड खेल रहा था, रेड डेड 2 ही खेल रहा था इसके रिलीज़ के पहले, तो मतलब मैकेनिक्स वगैरह तो उसके भाई अब एकदम नए हैं, काफ़ी अच्छे हैं ग्राफिक्स वगैरह भी, तो हो सकता है मेरे को थोड़ा सा अजीब लगे, शुरू शुरू में क्लंकी लगता है ना कंट्रोल्स वगैरह, पर देखते हैं भाई। ब्लैक वाटर, उससे ब्लैक वाटर रेलवे स्टेशन से कहीं तो भी जा रहा है। बुढ़िया कैसे लग रही है भाई। और ये वाले भाई, मैं अभी जो खेल रहा हूँ तो मेरा लैपटॉप में खेल रहा हूँ मैं, और मेरा 3060 ग्राफिक्स कार्ड है, RTX 3060, रैम 16 GB है, और क्या बताऊँ, प्रोसेसर है i7 12th जनरेशन, और यही है भाई, SSD वगैरह आपको क्या ही बताऊँ। और बाकी ग्राफिक्स मैंने भाई एकदम अल्ट्रा करके रखी हुई है, रिजोल्यूशन 2 के रिजोल्यूशन पे खेल रहा हूँ मैं, तो भाई मेरे में तो एकदम मक्खन चल रहा है अभी। फ्रेम शायद तुम लोग के में ना दिख रहे हो, क्योंकि मैं भी रिकॉर्डिंग के टाइम में फ्रेम्स दिखते नहीं है, बट अभी 120-130 फ्रेम आ रहे हैं आराम से, गेम प्ले के टाइम में भी मेरे को लगता है भाई ऐसे ही आएंगे, या फिर नहीं भी आ सकते हैं देखते हैं। लोकेशन तो बहुत सही दिख रही है यार। भाई एनवायरनमेंट क्या सही है यार, कैक्टस वगैरह, इतना पुराना गेम है। His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. साला बुढ़िया लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, बूढ़े को और बुढ़िया को। Apparently, John's family have made a मरने को आ रहा है भाई, पैर कबर में है, भोसड़ी वाली। Mrs. Bush, गॉसिप करना बंद नहीं करना है। There are many things that money cannot buy. It seems that money can't buy voters, though. भाई ग्राफिक्स वाफिक्स तो सब कुछ अच्छी है, बस मेरे को ये लगता है यार
कि ना पहले ये देख लेते हैं वाला कट सीन फिर बताता हूँ. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing, but you only have to ask me. Well, here we are, Mrs. पहुंच गए आर्मडिलो. देखो भाई यहाँ पे कचरे की जरूरत लग रही है, होना चाहिए था ग्राउंड में, उसकी वजह से थोड़ा सा. ओ पहुंच गए आर्मडिलो स्टेशन. नाइस यार भाई, कंट्रोल एक बार देखते हैं कैसा लग, तो स्मूथ ही रहा है, ये सब भी स्मूथ लग रहा है अच्छा खासा. भाई पता है कैसा, मतलब कंट्रोल मेरे को फील कैसा हो रहा है, GTA 4 जैसा फील हो रहा है भाई. और ये GTA 4 के टाइम पे आया, GTA 4 के बाद ही आया था ना, तो इस वजह से मे बी. और इसमें रैगडॉल जो फिजिक्स है ना, यूफोरिया, वो भी GTA वाली है, जो कि GTA 4 में यूज़ हुई थी, तो वो सब काफ़ी सही चीज़ है. फिश ले लेता हूँ भाई. ग्राफिक्स तो यार अच्छी है, बट पता है मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था. देखोगे अगर, ये देखो क्रेट वेट की ग्राफिक्स मस्त दिख रही है ना, टेक्सचर वेक्चर इसका. मॉडल क्वालिटी थोड़ा सा ख़त्म है बहुत सारी चीज़ों की, फ्लैट है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ठीक है भाई. मैं बस ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई रेड डेड 2 अगर पीसी के लिए ला रहे हो 10-15 साल बाद रॉकस्टार, तो भाई मतलब एटलीस्ट कुछ चीज़ें तो अपग्रेड कर देनी चाहिए थी. रीमास्टर्ड मतलब इन्होंने तो मान लो रिलीज़ किया, बट टेक्सचर्स को अपग्रेड कर देते 4K टेक्सचर्स में, ठीक है. उसके बाद कुछ सबसे मेन चीज़ है ना, टेरेन टेक्सचर्स को अपग्रेड करना चाहिए. ग्राउंड टेक्सचर ही सबसे पुराने से ख़त्म से लगते हैं. अभी देखो जैसे ये ग्राउंड टेक्सचर को देख के भाई समझ में आ रहा है मेरे को कि ये बहुत पुराना गेम है, इसको अपडेट कर देते ना तो मस्त दिखता. और मेन कैरेक्टर मॉडल तो अच्छा ही है, 2-4 चीज़ें और जो घटिया दिख रही हैं उनको अपग्रेड कर देते, बस हो गया काम. लेकिन रॉकस्टार को पता है भाई, रेड डेड बिकेगा ही बिकेगा. अरे भाई भागने क्यों लग गए, मैंने तो बस राइट क्लिक होल्ड किया था. यहाँ जाना है अपने को बेवड़ा. ओह ये कौन है, रंडी बाजी चल रही है भाई फुल ऑन. Your friends from Blackwater hired me to gag you. Jake. Hey, my friends. I'm pleased to meet you, Jake. ये अंकल है क्या यार, जो Red Dead 2 में अंकल रहता है. अंकल सैम उसका नाम था, लेकिन शायद दिख तो वैसा ही रहा है भाई. नहीं वो नहीं होगा, अंकल तो अंकल को तो भाई ये जानता है ना, उससे तो पहचान जाएगा. कहाँ हल्ला हो रहा भाई, कोई किसी को पेल रहा है क्या. अरे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं भाई. अरे भाई घोड़ों के मसल डिफॉर्मेशन देख रहे हो, ये देखो उसके शोल्डर के पास मसल डिफॉर्म हो रही है जब वो चल रहा है. तो टेक्सचर क्वालिटी देखो भाई. Whisper your horse and move faster. Tap left shift if you hold left shift. अच्छा टैप करते रहना पड़ेगा क्या, कंट्रोल से रुकेगा. वो इधर चलना है. That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Save दबा के रखना है. Great place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians or
maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for my performance to achhi aa rahi yaar mere ko na 116 frame 115 frame 110 frame average mein mil rahe hain wo bhi 2K resolution mein wo bhi ultra graphics mein ruko ek bar main tum log ko dikha deta hu options display graphics ye dekho bhai 2K resolution hai सारी कुछ चीज़ें चालू हैं शेडो सॉफ्टनेस शेडो क्वालिटी अल्ट्रा है सब कुछ ऑलमोस्ट अल्ट्रा ही है भाई ऑलमोस्ट क्या अल्ट्रा ही है मोशन ब्लर वगैरह टेरेन लेवल ऑफ डिटेल ज्योमेट्री लेवल ऑफ डिटेल ट्री ड्रॉ डिस्टेंस सब कुछ भाई मैक्सड आउट है डिस्प्ले में तो कुछ खास चेंज करना नहीं तो यार परफॉर्मेंस तो अच्छी है मतलब वैसे भी इतना 10-12 साल पुराना गेम है तो भाई अगर वो भी घटिया चलता तब तो दिमाग ही खराब हो जाता भाई भाई गोली की आवाज क्या क्या सेटिस्फाइंग लग रही है भाई पट पट मैं अभी रेड डेड 2 खेल रहा था भाई इसको खेलने के मान लो 1-2 घंटे पहले मजा तो आ रहा था उसमें लेकिन भाई जो इसमें अलग ही सेटिस्फेक्शन है भाई पता नहीं क्यों एक बार शिफ्ट और दबा दो ना थोड़ा सा स्पीड उसकी बढ़ जाती है सही लग रहा है यार मतलब मेरे को लग रहा है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है मैं जब खेलने से पहले मेरे को लग रहा था कि कहीं पे ज़्यादा ही आउटडेटेड ना हो ऐसा खेलने में मज़ा ना आए क्योंकि उस टाइम के गेम ऐसे ही रहते हैं भाई बड़े से क्लंग अगर तुम एकदम रेट्रो गेम खेलोगे ना पुराने 2002-03 के टाइम के तब वो तो एक पुराने हो चुके हैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है प्लस उनके कंट्रोल स्टिफ रहते हैं लेकिन स्मूथ भी रहते हैं स्टिफ और स्मूथ का कॉम्बिनेशन रहता है लेकिन ये वाले ना मतलब अगर आप 2009, 2008, 2010, 2012 ऐसे टाइप के गेम खेलो ना तो ग्राफिक्स उनकी ऑलमोस्ट बहुत मिड मिड वाली रहती है बीच में जो कि देखने में बड़ी अनकंफर्टेबल सी लगती है बट ना गेम प्ले तो और भाई बिल्कुल स्मूथ नहीं रहता भाई You'll see the fort when you get to the top of this hill. Important places and events. Ooh, nice view. Who now? Fort Mercer. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways. Character quality अच्छी है वैसे खत्म नहीं है. मस्त दिख रहा है. टोपी वोपी भी लो पॉली नहीं है अच्छी खासी डिटेल दिख रही है उसमें ज्योमेट्री की अप्रोच फोर्ट मर्सर चलो कोई सी गैंग है इसके अंदर भाई ग्राफिक्स देखो ना यार मस्त लग रहा है ऐसा नहीं है कि घटिया ग्राफिक्स है टेक्सचर वगैरह क्वालिटी देखो हर एक चीज की घास वास तो भरी भाई इसमें सबसे ज़्यादा ना ड्रॉ डिस्टेंस का फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि पहले कैसा रहता रहा होगा ये जो पेड़ दिख रहा है ना ग्रीन वाले यहाँ तक दिख रही हैं चीज़ें उसके बाद घास वगैरह रेंडर नहीं हो रही ट्रीज़ वगैरह बहुत कम हो जा रही है ना तो लगता है कि बेकार है बट अभी तो दूर दूर में भी घास और पेड़ रेंडर हो रहे हैं ना दिख रहे हैं अपने को तो मस्त लगता है थोड़ा क्या होगा अभी बिल अच्छा बिल है भाई यहाँ पे मैंने नहीं देखा है भाई बिल रेड डेड 2 में रहता है याद है तुमको बड़ी बड़ी दाढ़ी रहती है लंबी लंबी सी हल्का मोटा सा बंदा रहता है हाँ भाई भाई सेम आवाज है क्या यार रेड डेड 2 में इसी बंदे को लेके आए थे लगता है वो डबिंग के लिए हाँ भाई यही है बिल That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. oh. भाई close up दिखाएं Bill का थोड़ा सा. Bill, please. They want to kill us all. I can help you.
Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. हाँ भाई वही बंदा है. You implore me? You implore me? You always were one for fancy words. भाई इसमें थोड़ा बुढ़ा दिख रहा है बट उसमें जवान है. रेड डेड 2 में, रेड डेड 2 ऐसे ही पुराना है ना, मतलब इसका सीक्वल नहीं प्रीक्वल टाइप में है. No more Dutch. Dutch. And no more you. Implores. I implores you implores to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. भाई टोपी हिल रही है हवा से, देख रहे हो? इसकी टोपी ज्यादा डिटेल्ड है भाई, मेन कैरेक्टर है ना. ओ अरे बहन चो गांड फाड़ दी भाई. भाई ये क्या हुआ? शुरू में ही गांड मार दी जॉन मार्स्टन की तो, और पड़ा हुआ है भाई बेसुध. मौत हो जाएगी भाई, ब्लीड आउट हो जाएगा. और वो चले गए अंदर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ चुदाए भाई. ये चलो भाई उठा के जल्दी से, गन मत छोड़ना. सैडी एडलर है क्या ये बंदी? पता नहीं, हो भी सकती है भाई, क्योंकि ग्राफिक्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया ना 10-12 साल में, तो चेहरे एकदम से चेंज कर दिए उन्होंने अच्छी क्वालिटी के. न्यू फ्रेंड्स ओल्ड प्रॉब्लम्स. नाइस यार, क्या ग्राफिक्स सही दिख रहे हैं इंटीरियर की, बस कुछ कुछ चीज़ें लो पॉली हैं, बाकी सब मस्त दिख रहा है. लाइटिंग वाइटिंग अच्छी है, मतलब उतनी भी अच्छी नहीं है बट काफ़ी अच्छी लाइटिंग है. I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. We got the bullets out a couple days ago. Good. Ooh, it cost us $15. This was the top. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Marston. Marston. John Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Bonnie. Miss Bonnie McFarlane. Sure. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Bonnie. So Bonnie, what are you doing? There you go. Trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. Gun jacket. What will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic. गन प्ले तो अच्छा रहेगा यार, क्योंकि शुरू मेरे को देख के समझ में आया था. रैंच है इसका. Why not take a ride with me later and help me patrol the perimeter? You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. बॉनी मैकफारलेन. ओह देखो ना भाई, क्या सही ग्राफिक्स दिख रही है. काऊ हाइड क्या मस्त दिख रही है. ये रुको, उठाने वाला आइटम है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ. ये सब आइटम थोड़े से लो पॉली हैं, देखो एजेस दिख रहे हैं इनके, बट सही है, इतना भी ख़त्म नहीं है भाई. कहाँ है बस ये मेरे को अच्छा लग रहा है ना, कि इसमें ना रेड डेड वन में थोड़ा ज़्यादा ही एक्सेस एनिमेशन है भाई, बिना मतलब के, मतलब हर एक चीज़ में वो स्लो होता रहता है, धीरे धीरे चलता है. इसमें तुरंत शिफ्ट दबाओ भाई, तुरंत रिस्पॉन्सिव, तुरंत जंप कर दे रहा है,
और ज़्यादा कोई वो नहीं है, जैसे उसमें लूट का एनिमेशन होता था, कोई कोई भी आइटम पिकअप करना होता था उसका एनिमेशन होता था, बट इसमें ऐसा है नहीं भाई। ग्राफिक्स तो यार सही बता रहा हूँ, मेरे काफ़ी सही लग रही है। कुछ कुछ चीज़ें बस हैं ख़त्म सी, इनसे इंटरेक्ट कैसे करना है ये मेरे को नहीं समझ आ रहा। ऑप्शन होना चाहिए ना इंटरेक्ट करने का। रैंच कहाँ है? बेल्ट बेल्ट भाई, गन वन क्या मस्त लग रही है। Hold V to focus on important people, places and events. There's the foreman's office. It's also where we lock up good for nothing outlaws such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Mr. McFarlane. How do you do, sir? Hop on up. You won't bite. Giddy up! अच्छा तेज दौड़ो तो भाई वो पकड़ लेते हैं अपनी रिब केज जहाँ पे गोली लगी है। Come on. भाई घोड़े की तो भाई घोड़े तो ऑलमोस्ट वैसे ही दिख रहे हैं यार रेड डेड 2 जैसे, क्योंकि मैं अभी खेल रहा था ना, सिमिलर है भाई। बस मे बी इसकी टेल में जो हेयर फिजिक्स डली है वो थोड़ा सा कम लग रही है, बाकी मसल वसल भाई डिफॉर्मेशन टेक्सचर। वेरी कन्वीनिएंट, आई डोंट थिंक आई हैव एवर सीन अ रैंच विद इट्स ओन स्टोर बिफोर। इसी का स्टोर है। This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Wow. The great United States of America. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. That's such a bad thing. Change is only good when it makes things better. घोड़ा थोड़ा सा स्टिफ चल रहा है, मे बी क्या पता उसको फॉलो करने की वजह से स्टिफ चल रहा है, बट पता नहीं लग रहा है वैसा मेरे को। लेफ्ट राइट मुड़ने में थोड़ा दिक्कत ले रहा है। That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. नहीं मे बी ठीक है। Yeah. And here we are back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarlane. Come on, this is the only chance you're gonna get to rest. किधर से हम लोग निकले थे? अच्छा उसने वहीं से गोल घुमा के वहीं पे पहुंचा दिया ना, इसी घर से तो निकले थे हम लोग यहाँ। हाँ यहीं से घोड़ा उठाया था, घुमा के वहीं पहुंचा दिया। How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. एक तो छोटा सा एक तरीके से काउंटी कह सकते हैं भाई, या छोटा सा टाउन कह सकते हैं, 10-20 घर हैं, कुछ लोग रहते होंगे, अलग ही टाइप का वहाँ सिस्टम चलता था। मतलब इंडिया में भी रहा होगा, बट थोड़ा उनका ज़्यादा वैसा था अलग। Mr. Marston. Miss McFarlane. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful around this time. रात में मैं भी और अच्छा दिखे, या आप बेकार भी दिख सकता है। Let's mount up and patrol the ranch. अभी भी दर्द कर रही है छाती। किधर चलना है भाई? क्या मस्त चमक रहा है घोड़ा, देख रहे हो? अलग लेवल का भाई, मसल तो अलग खतरनाक वाली डिफॉर्म हो रही है। उसके घोड़े की पैर की मसल देखो भाई, देख रहे हो? आगे वाले की भी पीछे वाले की भी गांड फाड़ रहे हैं घोड़े तो। Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. गन भी मस्त दिख रही है। मेरे को लगा था कि उत्तर रिफ्लेक्शन वगैरह इसमें होगा नहीं, बट है यार रिफ्लेक्शन वगैरह भी मस्त है।
मेटालिक सरफेसेस मेटालिक लग रही हैं। अरे तेज चल यार, ये क्या है? I don't believe it. Those damn rabbits are back. Give me a hand with them, will you? Rabbits को पहनना है। Get your rifle out. It's about time these little thieves left their maker. अरे यार, मार चुके हैं सारे रैबिट्स की। भग भोसड़ी के सारे मर गए भाई। वो रुक रुक के खड़े भी हो रहे थे, भाग नहीं रहे थे। रेड डेड 2 में तो भागने लगते भाई दनादन बिल्कुल। चलो rustler stealing our cattle, it's the rabbit stealing our crop. It ain't never easy living off the land like this. Oh, boom ja raha hai. Big city, become a lady of leisure. Was that a coyote? Get coyote those pets before they scare the livestock. Come on, they're headed for the chicken. Arre tez bhag bhosadi wala ghoda. Exterminate the coyotes. Kahan hai aur coyote? Kahan gaye? अच्छा उधर है। अरे यार, एक तो मैं ही भागता हूँ। डेड आई कैसे चालू हो गई? अच्छा मिडिल माउस बटन से, सही है। आ गए भाई जब तक मैंने गेस करा। बस इतना ही काम था यार। बताया ना भाई, घोड़ा थोड़ा सा स्टिफ लग रहा है यार, बाकी सब बेटर लग रहा है। Something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Here we are. You get separated from your horse and returned to the hitching post outside of your house. ठीक है। Thank you for your help, Mr. Marston. अपना पहला मिशन कंप्लीट होता है। तो यार देखता हूँ मैं इस वीडियो में क्या व्यूज़ वगैरह आते हैं। अगर ठीक ठाक व्यूज़ आएंगे तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा, नहीं तो भाई बस ये इसको आखिरी वीडियो समझो। यू विल स्लीप इन द बेड इन योर रूम, इफ़ यू स्लीप यू विल वेक अप 6 hours लेटर। यू कैन ऑल्सो पिक अप एक्स्ट्रा एमो फ्रॉम द ट्रंक इन योर रूम। और डेड आई लेवल, चलो सेव कर देते हैं गेम। और यार अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तक नहीं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।